Hello and welcome back to my channel. And today's question from tarot is why they are keeping you at arm's length. वो आपको अपने से एक certain distance पर क्यों बना के रख रहे हैं? Okay, और ये question बिल्कुल भी किसी love affair के लिए ही है, exclusively ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन आपके parents, आपके बच्चे, आपके बहू, बेटे, सास, ससुर, boss, co-workers, colleague, friends, whatever, कोई भी हो सकते हैं, ये आपको अपने से दूरी पर क्यों रख रहे हैं? या इन्होंने आपसे अपने कॉन्टैक्ट को मिनिमम कर लिया? मुझे लगता है ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें कनेक्शन अभी बना हुआ है, बातचीत अभी हो रही है, लेकिन एक सर्टन डिस्टेंस मेंटेन है. ओके, तो ये सर्टन डिस्टेंस क्यों मेंटेन है, लेट्स चेक. What is the possible? What are the possible reasons that they are keeping you at arm's length? वो आपको अपने से दूर मेंटेन क्यों रखना चाहते हैं? यानी वो आपको पूरी तरह से लेट गो भी नहीं कर रहे, वो आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन आपको एक सर्टन डिस्टेंस पर मेंटेन करके रखना चाहते हैं. आप उससे ज्यादा दूर भी ना जाओ, उससे ज्यादा पास भी ना हो, लेकिन एक सर्टन डिस्टेंस पर आप रखो. वो ऐसा क्यों चाहते हैं? सॉरी फॉर दिस नॉइज डिस्टर्बेंस, मैं कुछ नहीं कर सकती. मैंने जब से चैनल ओपन किया है लास्ट 5 सालों से लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कभी मेरे घर में, कभी इस साइड, कभी उस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड. अभी भी जिन्होंने बैक में अभी मकान बनाया, लेकिन इनको फिर से कंस्ट्रक्शन करना है, आई डोंट नो. ठीक है, और मैं कब तक अपने काम को सफर कराऊंगी इस ठाक ठीक को रोकने के चक्कर में? तो मैं पूरा दिन रिकॉर्डिंग नहीं करती कि चलो शाम को मजदूर सब चले जाएंगे तो मैं रिकॉर्डिंग पे बैठूंगी, लेकिन मैं अभी बजी है 5:30, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहे हैं. एनीवेज, ओह, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, we have oops 9 of swords and we have chariot. देखिए, मैं आपको इस स्टोरी लाइन को इस तरीके से पढ़ के बताऊंगी. अगर ये किसी क्रश के बारे में, लव अफेयर के बारे में है, देन इट विल गो अ सर्टन वे. और अगर ये किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या कोवर्कर, कुलीग्स के बारे में है, तो इट विल गो अ सर्टन वे. ठीक है, तो ये रीडिंग दो तरीके से आप देखेंगे. पहले हम बात करते हैं आपके, अगर ये किसी रिलेटिव के बारे में है, या फ्रेंड या फैमिली मेंबर या कोवर्कर के बारे में है, तो ये ऐसा क्या हो रहा है? तो ये पैसे की बात है. ठीक है, अगर ये प्यार की बात नहीं है तो फिर ये पैसे की बात है. यहां पर कहीं ना कहीं मनी इज दी प्रॉब्लम हियर. ओके, यहां पर बात हो रही है डोमिनेशन की. Who is the boss here? Who is the boss here? ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पर जो दो लोग, आप लोग जो डील कर रहे हैं, दोनों ही अपने आप को सुपर, मतलब एक सुपर है और दूसरा सुपर से भी ऊपर है. तो ऐसे में कोई भी किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता, कोई किसी के, आप देख रहे हैं कैसे ये नाक से नाक टकरा के, जैसे चैलेंज. अगर ये लव रिलेशन है, इफ इट इज अ लव, देन तो इट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना. इट इज अ इंटेंस लव कनेक्शन हियर. बट अगर ये लव नहीं है तो फिर तो ये नाक की बात है. ओके, जैसे मेरी नाक ऊंची या तुम्हारी नाक ऊंची, लाइक दैट. आंखों में आंखें डालकर जो गुर्रा कर देखा जाता है ना, कि करके दिखाओ अपनी मनमानी, ये मेरी चलेगी या मेरी चलेगी, लाइक दैट. इट्स अ, अगर ये लव नहीं है, अगर ये लव है तो ये लव का चैलेंज है कि कौन ज्यादा प्यार करता है. लेकिन अगर ये लव नहीं है तो फिर तो ये मामला है पावर का. ठीक है, तो यहां पर पावर स्ट्रगल दिख रही है, क्लियर कट पावर स्ट्रगल दिख रही है, और पावर स्ट्रगल की वजह से ये आपको आर्म्स लेंथ पर रखते हैं. क्योंकि अगर आप इनकी विसिनिटी में ज्यादा क्लोज चले गए तो इनकी डोमिनेंस को खतरा हो जाएगा, इनकी जो साम्राज्य पे खतरा पैदा हो जाता है. एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वो उस तरह की वाइब्स आ रही मुझे. एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, 9 of swords, टेंशन हो जाता है. बल्कि जब आप दोनों एक सर्टन लेवल से ज्यादा पास आते हो तो बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है, और चीजों को स्मूथ चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि यहां दो टक्कर के लोग हैं, और दो, जो कहते हैं ना कि जैसे अगर दोनों तरफ से दो मजबूत लोग अगर भिड़ जाएंगे, दो अलग बहुत मजबूत सेनाएं भिड़ेगी, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. तो जब भी आप साथ होते होंगे तो नुकसान दूसरों का, आपकी लड़ाई में मतलब गेहूं के चक्कर में घुन भी पिसता है, तो फैमिली के दूसरे मेंबर्स या
वर्क प्लेस पर है तो ऑफिस के दूसरे मेंबर्स, अगर ये किसी फ्रेंड ग्रुप में है तो आप दो की लड़ाई में बाकी सारे फ्रेंड्स बिना बात के सबके बीच में टेंशन क्रिएट हो जाता होगा, पूरा माहौल खराब हो जाता होगा। ये एनर्जी देख रहे हो आप कैसी व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक और धुआं धुआं, और तो आपकी जो द्वंद्व है, आप दोनों का जो द्वंद्व है वो पूरे एनवायरमेंट को खराब कर देता है, वो पूरे एनवायरमेंट की एनर्जी को खराब कर देता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही योद्धा पूरी तरह से डिटरमाइन है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, झुकेगा नहीं, दोनों में से कोई ही झुकने को तैयार नहीं है, और इसीलिए जो है यहाँ पर खतरनाक तो पावर गेम चल रहा है, और इस वजह से ये आपको आर्म्स लेंथ पर रख रहे हैं। क्योंकि आप बराबर के योद्धा हो, अगर आपके साथ में लड़ना है तो फिर घर का माहौल या जो भी एनवायरमेंट है वो खराब ही रहने वाला है। अगर एनवायरमेंट को सुधार के रखना है तो कीप डिस्टेंस, तो ये आपको आर्म्स लेंथ पर रख रहे हैं ताकि माहौल ठीक रहे, और ये बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं आपकी वजह से, आप भी बहुत टेंशन सेम, ये तो मैंने कहा ना बराबरी के टक्कर है, ये बराबरी की टक्कर है, इसलिए ये आपको आर्म्स लेंथ पर रख रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें ये अगर एक लव इंटरेस्ट है देन व्हाट? ओके, तो अगर ये लव इंटरेस्ट है तो भाई इसमें बहुत तेज इंटेंस वाला लव कनेक्शन डेवलप हो चुका है। ये इतना इंटेंस है कि ये इसकी इंटेंसिटी टेंशन का कारण बन चुकी है। ये इतना इंटेंस है कि अगर इसमें अब अगर इसको जरा सा भी और इस दूरी को कम किया जाएगा, इट विल कॉज सम डिस्ट्रक्शन। अगर इस दूरी को कम किया जाएगा, अगर आप दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ आ गए, एक दूसरे के पास आ गए, तो क्या होगा? बूम, जैसे कि दुनिया में एक भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आपकी जो कनेक्शन है वो इस तरीके का हो कि आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं साथ में आने के लिए, सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि आप साथ में नहीं आ सकते। तो अगर इस डिस्टेंस को जरा भी कम किया गया तो पूरे के पूरे दुनिया बर्बाद हो सकती है, आपकी दुनिया, उनकी दुनिया, दोनों की दुनिया बर्बाद हो सकती है, राइट? सो ये आपकी तरफ आते जरूर है, बढ़ते जरूर, पैशन के साथ बढ़ते हैं, लेकिन जब इनको खतरे का आभास होता है कि अगर इससे करीब आया तो खतरे की घंटी बजने लगती है। जहां जिस लेवल पर नजदीक आने पर खतरे की घंटी बजने लगती है, उस लेवल पर ये बंदा आपसे पीछे खिसक जाता है। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, सो चलिए देखते हैं कि अगर ऐसा टफ सिचुएशन है, पहले फर्स्ट फैमिली वाइज अगर ऐसी टफ ऐसे आपको मिलाया क्यों, मतलब कुदरत ने आपको मिलाया क्यों, यूनिवर्स ने आपको मिलाया क्यों? अगर ऐसी टेंशन क्रिएट करनी थी, अगर इतना दूर दूर ही रखना था, और अगर ये सारा कुछ होना ही था तो फिर आपको मिलवाता ही ना। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलवाया ही क्यों गया, जब अगर इतने स्ट्रांग दो लोग हो तो मिलवाता ही नहीं, अलग अलग रखता तो क्यों मिलवाया? इसमें आपका सीखने जैसा क्या है और इस पर्सन के सीखने जैसा क्या है? फैमिली बॉन्ड्स। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे कि आप दोनों ही जो दो लोग हो ना, बहुत ज्यादा अपनी वाली चलाते ना, अपनी वाली चलाने वाले लोग हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी में रखना चाहते हो, आप दोनों ही इसमें कोई भी कम नहीं है, मतलब कहते हैं ना कि दोनों बराबर हो आप, तो अपने आप को सेंटर पर रखकर पूरी दुनिया मेरे चारों तरफ घूमे, ऐसा आप भी चाहते हो और ऐसा ही बंदा भी चाहता है। फैमिली आपके लिए सेकेंडरी है, आप खुद अपने लिए प्राइमरी हो, और यही चीज है और यही लेसन आपको सीखना है, और ये लेसन क्योंकि आप नहीं सीख रहे हो इसलिए ये नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रही है। इस नेगेटिविटी के क्रिएट होने से पूरी आपकी पूरी फैमिली सफर करे, आप दोनों के इस आपस में इस बॉन्ड को ठीक से ना बना पाने की वजह से, ठीक है? आपकी ये जो जो आंखों ही आंखों में जो वॉर चल रही है ना, आपकी ये जो साइलेंट वॉर चल रही है, आप दोनों की ये जो साइलेंट वॉर चल रही है, क्या बोलते, गृह युद्ध चल रहा है ये, उसमें कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, ठीक है? फैमिली में अगर रहना है तो यहाँ पर फैमिली है, यहाँ पर कोई एक बड़ा कोई एक छोटा नहीं होता है, ये इसकी फैमिली की फाउंडेशन होती है, आपसी प्यार, आपसी सपोर्ट, और दोनों को ये मानना कि ये मुझसे बिलोंग करता है, ये भी मेरा ही पार्ट है, और आपको भी यही मानना और उनको भी वही मानना, और जब तक वो एक नेचुरल इमोशनल बॉन्ड आपके बीच में नहीं बन सकता है तब तक ये टेंशन क्रिएट रहेगी। तो इस सोल कनेक्शन से आपको क्या सीखना है कि फैमिली में अगर बना, अगर फैमिली को तोड़ना नहीं है, अगर फैमिली में बनाकर रहना है, फैमिली में साथ रहना है, तो आपसी प्यार और अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। ह्यूमन एग्जिस्टेंस की ये देखिए, फैमिली जो है ना वो मानव सभ्यता का एक इकाई है ना, मानव सभ्यता की इकाई फैमिली। इस इकाई को अगर बना के रखना है, इस फैमिली की इकाई को अगर बना के रखना है तो बहुत ज्यादा प्यार और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अपनी इच्छाओं से ज्यादा दूसरे की इच्छाओं को महत्व देने की जरूरत है,
तभी कहीं फैमिली का बॉन्ड बन सकता है। अब ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, कहीं भी आप अपने हिसाब से देख लें आप किस लिए देख रहे हैं। जहां कहीं रेजिलियंस आई, जहां कहीं रेजिस्टेंस आया, जहां कहीं सेल्फिशनेस ने घर कर लिया, मैं क्यों, मैं ही क्यों, या मैं क्यों नहीं, वाई नॉट मी और वाई मी ओनली, ये जहां पर भी कहीं टकराहट आएगी वहां पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी। तो ग्रेटर, जैसे कहते हैं ना कि ग्रेटर, किसी बड़े फायदे के लिए छोटे फायदों को भूल जाना चाहिए, बड़े नुकसान से बचना है तो छोटे छोटे नुकसान झेल लेने चाहिए। तो यहां पर ये अपने छोटे नुकसानों को बचाने के चक्कर में फैमिली की कॉस्ट पर अपने अपने आप को, अपने ईगो को फीड करना, फैमिली के नुकसान पर अपने आप को फीड करना, ये इस तरह का यहाँ पर लेसन है जो आपको सीखने की जरूरत है कि क्या आप ये करने के लिए यहाँ पर आए हो। और इसमें आपको क्या सीखने की जरूरत है, फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फैमिली के सभी मेंबर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, फैमिली के बीच में ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे की बात को एम्पैथी के साथ सुने, प्यार के साथ सुने, कंपैशन के साथ सुने, कान दें कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसकी बातों पर ध्यान दें। और अगर किसी बात पर, क्योंकि फैमिली में कई सारी चीजों पर कॉन्फ्लिक्ट हो भी सकते हैं, तो ऐसे में पेशेंस के साथ में उनकी चीजों को सुने, फैमिली में चाहे कितने भी आपके झगड़े हो जाए लेकिन एक दूसरे की रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए कम ना हो, सपोर्ट एक दूसरे के लिए कम ना हो, और फैमिली ये मानती कि ये मेरा ही फैमिली का पार्ट है, एंकरेजमेंट बंद ना हो उसमें कि दूसरे को डाउन ना किया जाए, सप्रेस ना किया जाए, ये लेसन इसमें सीखने का है। और ये लेसन मुझे लगता नहीं है कि आप, या तो आप नहीं सीख रहे हैं, आपका ये पर्सन नहीं सीख रहा है, या आप दोनों ही नहीं सीख रहे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एरोगेंस पहले आपके अंदर थी जिसकी वजह से ये पर्सन सफर हुआ, अब वो एरोगेंस उस पर्सन में आ गई है और आप सफर कर रहे हो। इट इज लाइक अ टिट फॉर टैट कंडीशन, एडिक्शन, लाइफ लेसन एडिक्शन। देखो आप दोनों को ही वह ना ताकत का जुनून है, दोनों को ही ताकत का जुनून है, और यहाँ पर वो गेम चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब जिसके हाथ में जिसका पलड़ा भारी था उसने दूसरे को दबाया, अब दूसरे का पलड़ा भारी था दूसरे को दबाया जा रहा है। ये इक्वली कोई किसी से कम नहीं है इसमें। पीयर प्रेशर भी, यस। और पता है दुनिया को भी दिखाना, मतलब आपके होड़ किसके लिए हो रही है कि दुनिया को भी दिखाना है कि मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं ज्यादा अच्छा, मैं ज्यादा अच्छा, मैं ज्यादा समझदार, मैं ज्यादा समझदार, मेरे को ज्यादा पता है, मेरे को ज्यादा पता है, बिना बात की होड़ मची हुई है। यहां पर सेल्फ कंट्रोल दोनों में ही नहीं है, मुझे तो दोनों की ही वाइब्स आ रही है। कोई 19-20 जरूर हो सकता है, ऐसे एक 19-20 हो सकता है, थोड़ा बहुत कोई किसी पर भारी हो सकता है, बट लगता है दोनों में ही सेल्फ कंट्रोल की कमी है। ठीक है, दोनों को ही प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, दोनों को ही किसी म्यूचुअल, मतलब म्यूचुअल काउंसलिंग की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर लव कनेक्शन की बात करें, तो लव कनेक्शन में भाई अगर इतना इंटेंस कनेक्शन था तो इसमें देखने की जरूरत है कि अगर आपको पता था या इनको पता था कि ये रिलेशनशिप का कोई भी कल्मिनेशन नहीं हो सकता, तो इतना इंटेंस कनेक्शन पहली बार तो हुआ कैसे, और अगर हुआ तो इतना डर क्यों है, या फिर इतनी रेजिस्टेंस क्यों है, और अगर ये रेजिस्टेंस है तो फिर इसमें सीखने जैसा क्या है, ये डिटेल्स हमको जानने की जरूरत है। सो, ये लव कनेक्शन इतना इंटेंस बना कैसे, लेट्स चेक। और मुझे भी लगता है कि सडन बनने वाला है, अचानक से बनने वाला। ओ देखो, मैंने बोला अचानक से बनने वाला, नाइट ऑफ वॉर्ड्स 100% अचानक से बनने वाला कनेक्शन है, सडन एनकाउंटर है, ये कोई सडन एनकाउंटर है। तो ये इतना सडन एनकाउंटर कैसे हो गया, और ये सडन इतना स्ट्रांग। ओ देखिए, मैंने बोला ना ये कार्ड, फिर ये भी मैंने आपको दिखाया था बॉटम ऑफ द डेक, यही कार्ड सामने आ गया, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉर्ड्स। ओके, आई गॉट इट। देखिए, आप दोनों ही लोग काफी समय से ना वी कैन से आइसोलेटेड थे, दुनिया से आइसोलेटेड थे, अकेले थे, या फिर आप एक अलोन लाइफ गुजार रहे थे, एक अकेलेपन वाली जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों ही ऐसे थे, एक जैसी सेम एनर्जी थी, और जब दोनों एक दूसरे के साथ में आए तो वो एनर्जीज मैच हुई। ठीक है, वो अकेलेपन की, वो लोनलीनेस की फीलिंग, अकेलेपन की फीलिंग मैच हुई, वाइब्रेशन मैच हुई एकदम, और वाइब्रेशन मैच होने से ये सडन बॉन्ड आपका बना। और क्या हुआ, वाई दिस सडन बॉन्ड, वाई दिस इंटेंस कनेक्शन, इतना इंटेंस कनेक्शन क्यों हुआ। टेन ऑफ पेंटिकल्स,
यस डेफिनेटली, आप दोनों ही किसी एक एक ऐसे पार्टनर की खोज में थे जो आपका टेन ऑफ पेंटेकल्स बन सके, जो आपका जीवन साथी बन सके, मतलब आप अपने अपने जैसे इक्वल मैच के तलाश में थे कि कोई मुझे मिले तो किसी भी कॉस्ट पर मैं इस इंसान का बनूंगा, लेकिन सामने आया ये इंसान आपके, जबकि आप डेस्परेटली अपने लिए किसी पार्टनर को ढूंढ रहे थे, डेस्परेटली अपने लिए किसी इक्वल पार्टनर को ढूंढ रहे थे, और आप बहुत ज्यादा अपने अकेलेपन से परेशान थे, और ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ में भी था। तो जैसे कहते हैं ना कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है, उस तरह से ये आपके सामने आया ये पर्सन। ठीक है, अगर आया तो वो फिर ये कार्ड तो पिछले 5 रीडिंग से रोज मेरे हाथ में आ रहा है, 8 ऑफ वांड्स, रुक्मणी संदेश। आप दोनों ने एक दूसरे को यह वर्बली या नॉन वर्बली कम्युनिकेट किया होगा कि आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, जैसे रुक्मणी ने कृष्ण को संदेश दिया, लेटर के थ्रू संदेश दिया, आई वॉन्ट यू टू बी माई हस्बैंड, ये भी हस्बैंड और वाइफ का ही कार्ड है, या फिर इस व्यक्ति ने आपको संदेश दिया। और अगर ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं था तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन था, आप दोनों ने एक दूसरे की इस कम्युनिकेशन को वर्बली या नॉन वर्बली समझ लिया, दैट यू वॉन्ट हिम एंड दे वॉन्ट यू। ओके, और उसके बाद क्या हुआ? ओके, उसके बाद ये हुआ कि फिर अचानक से इल्यूजन क्रिएट हो गया, अचानक से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, अचानक से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि आप दोनों के अपने अंदर डर थे पिछले रिलेशन की वजह से, या अपनी सोशल सेटिंग्स की वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर फियर भरा हुआ था आपके अंदर। और आप बहुत ही डरे हुए थे कि मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीवियस रिलेशन में कहीं ना कहीं आपको डीपली ट्रिगर हुआ, डिसेप्शन मिला है, आपके साथ में कुछ धोखा हुआ था, तो आप कहीं ना कहीं बहुत, आप या ये पर्सन सबकॉन्शियसली आप एक ही समय पर ये मैसेज भी कर रहे हैं कि आई वॉन्ट यू, और सबकॉन्शियसली आप ये भी मैसेज कर रहे हैं कि आई एम अफ्रेड ऑफ यू। ओके ओके, सो एक ही समय पर आप एक दूसरे को ये मैसेज भी क्रिएट दे रहे हैं कि आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, एंड एट द सेम टाइम आप सबकॉन्शियसली इस पर्सन को ये संदेश भी दे रहे हैं कि आई एम वेरी कॉन्शियस, आई एम वेरी कॉशियस, मेरी तरफ आना मत, आओ तो सावधानी से आना, मुझे धोखे से नफरत है, मुझे मुझे झूठ से नफरत है, मुझे ट्रस्ट इशू, और आपको ट्रस्ट इश्यूज ऑब्वियसली हैं। जैसे ही कोई आपके पास आने लगता है, या इस पर्सन के साथ भी ये हो सकता है, उनको डाउट शुरू हो जाते हैं कि क्या ये पर्सन भी ऐसा ही तो नहीं है, क्या इसके साथ भी मेरा टाइम वेस्ट ही तो नहीं होने वाला है, क्या ये रिलेशन भी आगे जाके टॉक्सिक तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के आपके जो अंदर के फियर्स थे ना, वो जागृत हो गए। जैसे ये पर्सन एक सर्टन लेंथ में आपके पास आया, एक सर्टन डिस्टेंस कम करके आपके पास आया, और आपके अपने जो फियर्स थे वो जागृत हो गए, इस पर्सन के भी डर अंदर से जागृत हो गए, क्योंकि लव का अपोजिट होता डर। ठीक है, जैसे ही लव जनरेट हुआ और फियर भी जनरेट हो गया, पहले लव नहीं था, जब तक मे बी एक फॉर्मल जान पहचान थी तब तक फियर भी दबे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मल जान पहचान लव में कन्वर्ट हुई तो लव डेवलप हुआ, तो साथ का साथ, जैसे कहते हैं ना, लाभ के साथ हानि लगी रहती है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसी तरह से लव और फियर एक दूसरे के दो पहलू हैं, लव जनरेट हुआ साथ में फियर भी जनरेट हुआ। और आपकी बॉडी में कुछ इस तरह की डर के सिम्टम्स आने लगे होंगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी इस तरीके से बदल गई होगी, या इस पर्सन की भी बॉडी लैंग्वेज डर की वजह से बदल गई होगी, और इस बॉडी लैंग्वेज को आप दोनों ने सेंस कर लिया होगा कि ये पर्सन मेरे पास आना चाहता है बट मेरे पास आने से डरता है, और ये चीज आप दोनों ने सेंस कर ली, आपको भी लगता है कि ये पर्सन मेरे पास आना चाहता है बट मेरे पास आने से डरता है, इस पर्सन को भी ये सेंस हो गया कि ये मेरे पास आना चाहता है पर ये मेरे पास आने से डरता है, तो ये एक वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये पास आ रहा है या दूर जा रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम एक आप दोनों की एनर्जी है पास आने की, और एक आप दोनों की एनर्जी है एक दूसरे से दूर जाने की। ठीक है, तो एट एक सर्टन डिस्टेंस ये पता ही नहीं चल रहा कि ये पर्सन पास आ रहा है या ये पर्सन दूर जा रहा है। ऐसी रीडिंग मैंने बहुत पहले करी थी, 4-5 साल पहले, उसका हेडिंग था पास आ रहा हूं मैं या दूर जा रहा हूं, ऐसी कोई रीडिंग थी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इंसान आपके पास आ रहा है कि आपसे दूर जा रहा है, क्योंकि एक ही मुंह पर आपको लगता है कि ये पास आने की कोशिश कर रहा है, उसी सेम मुंह पर आपको लगता है कि नहीं ये पास नहीं आने की कोशिश कर रहा है, ये तो दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मिसगाइड हो चुके हैं, जैसे जैसे ही लव जनरेट हुआ, जैसे ही डिस्टेंस होनी कम हुई, और आप मिसगाइड हो गए कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये पास आ रहा है कि दूर आ रहा है, ये रिलेशन बिल्डअप हो रहा है कि ये रिलेशन फेड आउट हो रहा है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है कि ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके,
इस तरह का कंफ्यूजन आपकी मेंटल स्पेस के अंदर क्रिएट हो गया, और इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट होने से आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, आपका इमोशंस चेंज हो गए, आपकी मूड चेंज हो गया, और आप फंबल करने लगे कि अब आपको कैसे रिएक्ट करना, यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। और यही सेम इस पर्सन के साथ हुआ, इस पर्सन को पता नहीं चल रहा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे कैसे रेस्पॉन्ड करना है, और आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे कैसे रेस्पॉन्ड करना है। और इस कंफ्यूजन की वजह से कुछ ऐसे मैसेजेस जाने लग गए, बॉडीली जाने लगे होंगे या बोल के जाने लगे होंगे, जिसकी गलत मीनिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी। अगर आप उनको कुछ कहोगे तो उनको लग रहा है कि ये मेरी टांग खिंचाई कर रही है, या मुझे बिलिटल करने की कोशिश कर रही है, या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, या मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। और एट द सेम टाइम आपको भी उनकी उन चीजों से ऐसे लगा कि ये तो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, ये तो मुझे बुली कर रहा है, ये तो मेरी ट्रोलिंग कर रहा है, ये तो मेरे लिए नेगेटिव कमेंट पास कर रहा है। तो ये कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया। और जब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो आप दोनों ने क्या किया, इमोशंस को रिप्रेस करना, कि अपने आप को नहीं बताना कि मुझे क्या फील हो रहा है, नहीं बताना, सप्रेस सप्रेस सप्रेस। और एक दूसरे को सप्रेस करते करते क्या हुआ, सप्रेशन में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई। अब दोनों के बीच में पास आना है, दोनों को पास आना है, लेकिन बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, और वो दीवार किस चीज की, कंफ्यूजन की, इनर फियर्स की, इनर कॉन्फ्लिक्ट की दीवार है। आपको लगता है कि शायद वो दूर जाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि शायद आप दूर जाना चाहते हो। आपको लगता है कि शायद वो आपको डिस्टेंस पे रख रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद आप उनको डिस्टेंस पे रख रहे हो, ठीक है। और इस तरीके से आपकी जो पूरी जो चीज थी, जो कि खूबसूरती के साथ शुरू हुई थी, वो जो है खराब हो गई, ऐसा हुआ ये सब में। अब इसमें लेसन क्या सीखने का है, जरा वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज लेसन हियर, व्हाट इज द लेसन हियर, व्हाट इज द लेसन हियर, इम्पेंडिंग रिटायरमेंट, एजिंग, फाइनेंशियल कंसिडरेशन, लाइफ स्टाइल। हाँ देखो, डेफिनेटली ये तो है इसके अंदर, वो मुझे समझ में आ ही रहा था। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, या आप एक दूसरे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अलग अलग हो सकती है, या आप एक दूसरे की लाइफ स्टाइल बहुत अलग अलग हो सकती है, राइट। तो लेसन क्या है इसमें सीखने का, लेसन इसमें सीखने का यह है कि पता है आपके अपने प्योर, आपके अपने क्लियर कट गोल्स होने चाहिए, कि अगर मुझे किसी पर्सन के साथ में कनेक्शन बनाना है तो मुझे इसमें कुछ और देखना पड़ेगा, इसमें कुछ और भी समझ में आ रहा है मुझे। मतलब ये तो प्रॉब्लम है कि आपकी एजिंग, आप में एज डिफरेंस है, आप में फाइनेंशियल डिफरेंस है, आप में लाइफस्टाइल में डिफरेंस है, तो वो ऑटोमेटिकली वो फियर है ना, मैंने बोला ना फियर, ये फियर है इस यहाँ पर। लाइफ लेसन क्या, आपको इन फियर को ओवरकम करना है, तो क्या आप ओवरकम कर सकते हो? अगर एज डिफरेंस का फियर है तो क्या आप उस फियर को ओवरकम कर सकते हो? अगर फाइनेंशियली आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो तो क्या आप उस फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल को साइड हटाकर क्या उसको ओवरकम कर सकते हो? लाइफस्टाइल चेंज, बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल होते हुए क्या आप उसको ओवरकम करना चाहते हो? यह मुझे लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो। तो यही आपके लाइफ का लेसन है कि इफ यू लव समबडी और इफ यू वॉन्ट समबडी इन योर लाइफ, तो एज डजंट मैटर, मनी डजंट मैटर, एंड ये चीजें हैं जो आपको एंग्जाइटी दे रही हैं, ये चीजें हैं जो आपको अनसर्टन बना रही हैं, राइट। तो लाइफ लेसन आपका यही है कि आप ना लव रिलेशन में आपको एक सर्टन एज चाहिए, आपको एक सर्टन फाइनेंशियल स्थिति चाहिए, आपको एक सर्टन लाइफस्टाइल चाहिए, और फिर जब वो नहीं होता है तो आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हो। तो यू डो नॉट प्रायोरिटाइज लव, यू प्रायोरिटाइज व्हाट सोशल नॉर्म्स आर। और जब तक आप सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ट्रू लव को फिट करने की कोशिश करते रहोगे तो वो फिट नहीं हो पाता है, क्योंकि प्यार आपका जो है वो एज पर डिपेंड नहीं करता, वो फाइनेंसिस पर डिपेंड नहीं करता, वो लाइफस्टाइल्स पर डिपेंड नहीं करता। बट आप चाहते हो कि आपका प्यार आपको इन पैरामीटर्स के अंदर मिले, और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर आप पुल बैक करने लग जाते हो। तो अब आपको समझना है यहाँ लाइफ लेसन क्या है आपका। लाइफ लेसन ये है कि अगर आपको किसी से प्यार है, अगर आपको किसी के साथ में एक्चुअल में रियल कनेक्शन बनाना है, तो आप भूल जाओ कि आपकी एज क्या है, उनकी एज क्या है, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनकी क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। और अगर आप ये चीजों को नहीं ओवरकम कर पाओगे तो फिर आपको आर्म्स लेंथ पर रहना ही पड़ेगा, आपको डिस्टेंस में रहना ही पड़ेगा, और वो चीज आपको एंग्जाइटी देगी ही देगी। वॉट मोर, इसके अलावा भी कुछ है इसके अंदर,
व्हाट इज द लेसन हियर, व्हाट इज द लेसन हियर, व्हाई? मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ क्यों जुड़ जाते हो जिसके साथ आपके पैरामीटर्स ही मैच नहीं करते, तो आप उस पर्सन से जुड़ कैसे जाते हो? मतलब ये तो बिल्कुल मिसमैच है ना कि आप किसी सर्टन पैरामीटर्स में किसी अपने पार्टनर को चाहते हो लेकिन जिसको आप पसंद करते हो वो इन पैरामीटर्स में फिट नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ? ये तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि ये तो आपके साथ एक बार हुआ है तो ये बार बार हो सकता है आपके साथ। तो क्या लेसन है यहाँ पर सीखने के लिए? पेज ऑफ कप्स, व्हाई पेज ऑफ कप्स? Of Pentacles. देखिए वही बात है, यहाँ पर वही बात है। देखो कि ऐसा है कि आपके लिए यहाँ पर सीखने के लिए है कि क्यों ओपनली आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्यों ओपनली आप किसी को भी, देखो ये कृष्ण सुदामा का आप देख रहे हो ना कि जैसे कुछ भी मैच नहीं करता, दोनों के बीच में कुछ भी मैच नहीं करता, लेकिन कृष्ण ने भी दोस्ती निभाई है और सुदामा ने भी दोस्ती निभाई है, बट आपके अंदर वो करेज नहीं है कि आप कोई भी आपके दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस के होते हुए भी आप वो दोस्ती निभाने की करेज होना चाहिए आपके अंदर, जो कि आपके अंदर नहीं है। तो यही आपका लाइफ का लेसन है। तो जब आपको किसी, देखो कृष्ण और सुदामा के बीच में क्या था, उनके सोल एनर्जी वाइब्रेशन मैच करती थी, यहाँ पे वाइब्रेशन मैच कर रही है, वाइब्रेशन के अलावा यहाँ पर कोई स्टेटस मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर कुछ लाइफस्टाइल मैच नहीं कर रही, बट उन्होंने उस चीज को निभाया। लेकिन आप किसी इंसान के साथ आपकी सोल की वाइब्रेशन मैच करती तो आप उसके करीब तो आ जाते हो, लेकिन फिर बाद के पैरामीटर्स जब आपके मैच नहीं करते तो आप डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लग जाते हो। और ये ऐसा इस पर्सन के साथ भी है, दोनों के ही साथ है, क्योंकि आप जैसे होते हो वैसे ही सामने वाला इंसान भी आपको मिलता है। तो अगर आप ऐसे हो कि कनेक्शन तो आपका वाइब्रेशन लेवल पर बनता है, लेकिन उसको बनाए रखना है कि नहीं बनाए रखना वो तय करता है कि आपके बाकी पैरामीटर्स वहां से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और ये पर्सन भी ऐसा ही करता है, क्योंकि स्ट्रांग कनेक्शन की वजह से ये किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट, आप ही नहीं किसी भी और इंसान की तरफ ही अट्रैक्ट तो हो जाता होगा, रिलेशन तो तुरंत बन जाता होगा, क्योंकि वाइब्रेशनल मैच है तो रिलेशन तो बन नहीं है। लेकिन रिलेशन बनने के बाद में फिर ये सोचना कि हाँ इसकी मेरी एज ठीक है क्या, हमारी कुंडली मिल रही है क्या, हमारी कास्ट मिल रही है क्या, हमारे फाइनेंसेस मिल रहे हैं क्या, या हमारी सोशल स्टेटस मिल रहा है क्या, या हमारी लाइफस्टाइल मिल रही है क्या, फिर बाद में ये सोचना और फिर वो सोचकर उस डिस्टेंस को मेंटेन कर देना, ये गलत बात है। जो कृष्ण और सुदामा की मित्रता बताती है कि अगर कृष्ण भी ऐसा सोचते कि इसका और मेरा स्टेटस मैच हो रहा है क्या, इसका और मेरा एजुकेशन मैच हो रही है क्या, तो फिर कृष्ण भी बोलते कौन सुदामा मुझे नहीं पता। आर्म्स लेंथ पर रखते ना, लेकिन कहां आर्म्स लेंथ पर रखा, आर्म्स के अंदर भर रखा है, आर्म्स के अंदर भर लिया है उन्होंने। अब अगर ऐसा तो फिर राम भगवान भी सोचते वानरों के साथ दोस्ती करनी, सुग्रीव के साथ दोस्ती कर ली, हनुमान जी के साथ दोस्ती कर ली, अगर ऐसा सोचते मैं कहां अयोध्या का राजा हूं और कहां ये बंदर है। लेकिन वहां पे भी आपने देखा है एक गले मिलने का सीन हनुमान जी और राम का भी आता है। मतलब कि बाकी अगर आपकी किसी इंसान के साथ वाइब्रेशन मैच होती है, अगर आपकी किसी इंसान के साथ में सोल लेवल पर चीजें मैच होती है, तो उसके बाद बाकी चीजों को इतना महत्व देकर इस खूबसूरत बॉन्ड को खराब करना, ये आपकी टेंडेंसी है। और ये टेंडेंसी की वजह से ही, और ये इस पर्सन की भी टेंडेंसी है, क्योंकि हम एक दूसरे के मिरर होते हैं रिलेशनशिप में, हम एक दूसरे के मिरर होते हैं, और इसी वजह से इसने आपको आर्म्स लेंथ पर रखा हुआ है और मे भी आपने भी इसको आर्म्स लेंथ पर रखा हुआ है। ये आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करा अपनी लाइफ में, तो आप भी इसको पूरी तरह से इसी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सो व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन? द यूनिवर्स, वसुधैव कुटुंबकम, बराबरी का बराबर मानो सबको, राइट? सरेंडर करो, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर किया। अगर आपको पता है कि somebody is there for me, somebody is like a vibrational match to me, तो फिर उसको आपको सरेंडर करना चाहिए, उसको आपको मानना चाहिए। यूनिवर्स आपको कुछ चीज दे रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करा, यूनिवर्स ने आपको किसी ऐसे इंसान से मिला है जो आपका वाइब्रेशनल मैच है, तो उसको अपना डेस्टिनी मानकर, उसको अपना फेट मानकर, अपना भाग्य मानकर आपको उसको फुल्ली एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। सिक्स ऑफ कप्स,
ये कार्ड भी रोज आ रहा है रीडिंग्स में, आप देख ही रहे हो। तभी आप इस पर्सन के साथ में यूनियन में आ पाओगे, तभी आप इस पर्सन के साथ में एक मैत्री वाला जो कार्ड था कृष्ण सुदामा जैसी मैत्री, राम और सीता का यूनियन, वैसा यूनियन आपका हो पाएगा। ऐसे देखा जाए तो राम और सीता की जोड़ी में भी जनक जनक जो थे बहुत छोटे लाइक एग्रीकल्चर लैंड, ग्रामीण ग्रामीण इलाके के राजा थे, और अयोध्या उस समय की मेट्रो सिटी हुआ करती थी। ऐसे अगर स्टेटस वाइज देखते तो कोई मैच ही नहीं था, राइट। उस समय अगर राम भी कहते कि मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया था धनुष तोड़ने के लिए, तो मैं क्यों धनुष तोड़ने जाऊं, तो अगर इस तरह की चीजें होती तो ये यूनियन नहीं हो पाती थी। तो उसी तरह से अगर आपको भी लगता है जैसे राम और सीता को लगा ना एक स्पार्क हुआ उनके बीच में कि ऐसा ही स्पार्क पुष्प वाटिका में जैसा स्पार्क हुआ, और उस स्पार्क को उन्होंने उसको बुझने नहीं दिया, उसको सिलसिला ये चाहत का, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आप भी और मैं भी दिस पर्सन ये भी क्या करते हैं कि स्पार्क होने के बाद में उसको बुझाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, अपने डरों की वजह से, सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से या दूसरे कंडीशनिंग की वजह से उस स्पार्क को खुद ही बुझा रहे हैं, और इसलिए फिर वो दूरी होनी लाजमी है। अगर आप ऐसा बॉन्ड बना पाए जैसा कृष्ण सुदामा के बीच में बना था, डिफरेंसेस को हटा दें, हम वाइब्रेशनल मैच है क्या, डिफरेंसेस को हटा दें क्या हम वाइब्रेशनल मैच है, तो हमें साथ होना है। अगर जब तक आप ये दोनों जने ये बात नहीं सोचोगे तब तक ये दूरी नहीं मिट सकेगी। अब ये आप अपनी तरफ से करें एट ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन आई थिंक मेंटल ट्रैप, आप दोनों का मेंटल ट्रैप इतना जोरदार है कि इस ट्रैप से पता नहीं आप बाहर आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। भीष्म को सब पता था क्या सही है और क्या गलत है, क्या उनको नहीं पता था, फिर भी उन्होंने गलत का साथ दिया, फिर भी वो फंसे रहे अपनी जो भी उनकी उनकी जो भी लिमिटेशंस थी उन लिमिटेशंस में फंसे रहे। तो आपकी लिमिटेशंस इनकी लिमिटेशंस आप दोनों को आर्म्स लेंथ पर रख रही हैं, और लिमिटेशंस क्या है मैंने आपको बता दिया, और इसको ओवरकम करोगे तो ही आपकी यूनियन हो सकती है, अदरवाइज इन लिमिटेशंस में अगर आप फंसे रहे तो ये आर्म्स लेंथ वाली जो दूरी है वो वैसे ही बनी रहेगी, एक समुद्र के इस पार और एक समुद्र के उस पार। या तो आपको समुद्र लांग के उधर जाना पड़ेगा या उनको समुद्र लांग के इधर आना पड़ेगा। क्या है इतना दम तो ये दूरी आपकी हो सकती है खत्म। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं कब मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे। एक चीज और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई, गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किसे लूंगी मैं, बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे। सफलता समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो, और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में, अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे।
तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले एक साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम, व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस है, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी, वो सब खत्म हो गई। कहूंगी कि वो एक धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटर दिया, ऐसा वीडियो दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पर एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करते हैं, करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइड और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाई नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती है, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है।
और बहुत सपोर्ट करती हैं, और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियाँ, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथ को सुनिश्चित जहाँ पे सूरज सा उजाला,
चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।